भारत में डिजिटलाइजेशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ रहा है। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड के मामले न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनते जा रही है। सरकार भी इस फ्रॉड पर शिकंजा कसने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है, तो साइबर अपराधी भी लोगों को ठगने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी चालाकी से ओटीपी लेकर बैंक अकाउंट खाली करना, तो कभी डिजिटल अरेस्ट करना। ये साइबर अपराधी इतने शातिर हैं कि ये एजुकेटेड लोगों को भी चूना लगा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या है, किन किन तरीकों से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड है क्या। ऑनलाइन फ्रॉड इंटरनेट पर होने वाली एक धोखाधड़ी है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान चुराकर या फिर किसी अन्य तरीके से लेन देन करता है, जिसके कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें शामिल है ओटीपी स्कैम। सबसे ज्यादा फ्रॉड ओटीपी के माध्यम से किया जाता है। एक फेक मैसेज के तहत अपराधी आपसे फ्रॉड ओटीपी या फिर पिन डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। इस डिटेल के साथ वह आपके खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। फेक डिलीवरी स्कीम। साइबर अपराधी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के फर्जी वेबसाइट के माध्यम से प्रोडक्ट पर बम्पर ऑफर पेश करते हैं और इस ऑफर पर लोगों से ओटीपी आदि के माध्यम से जानकारी जुटाते हैं। इस जानकारी की मदद से अकाउंट में पैसे जितने भी होते हैं वो उड़ा दिए जाते हैं। न्यूड व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी। इसमें आपको एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आएगी, जिसे उठाते ही आपकी स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देगी जो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देगी। जब आप कॉल को काट देंगे तो उसके कुछ देर बाद आपके मोबाइल पर एक कॉल आएगा या फिर एक वीडियो आएगी और वहीं से आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जाएगा और आपसे पैसे वसूले जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम जॉब के जरिए। कई बार हमारे पास ऐसे विज्ञापन आते हैं जिनमें वर्क फ्रॉम होम के जरिए पैसे कमाने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन इससे पहले आपसे शुरुआत में कुछ पैसे जमा करवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग भरोसा जीतने के लिए पहले आपके खाते में कुछ पैसे डाल भी देते हैं, लेकिन बाद में सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं। फर्जी बिल के माध्यम से धोखाधड़ी। यूजर्स को व्हाट्सएप पर गलत नंबरों से मैसेज मिलते हैं, जिसमें बिजली कनेक्शन को निलंबित करने की बात करते हैं और फेक लिंक पर पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए ठगी। इसमें कॉलर कहेगा कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर होने वाले हैं। आप उनके द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स को भर दें, जिसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर और वीडियो कॉल के जरिए आप पर नजर रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि कितने लोग हर साल डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C के मुताबिक इस साल अप्रैल तक 7,40,000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गई हैं। यानी कि हर दिन लगभग 7,000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिलती हैं। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। सतर्क रहे। अगर कोई अनजान आईडी से ईमेल, मैसेज या कॉल आता है और वह आपसे बैंकिंग या पर्सनल जानकारी मांगता है तो सावधान रहे। मजबूत पासवर्ड बनाए। पासवर्ड सुरक्षित रखें और अगर संभव हो सके तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। फिशिंग ईमेल पर ध्यान ना दें। किसी भी अनवांटेड ईमेल, मैसेज के लिंक या फिर अटैचमेंट पर क्लिक ना करें और उसमें कोई पर्सनल जानकारी ना दें। रजिस्टर्ड जगहों से ही खरीदारी करें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फर्जी वेबसाइट से सामान ना लें। साइबर ठगी होने पर किससे करें संपर्क। साइबर अपराध होने पर अपनी शिकायत साइबर हेल्पलाइन 1930 या फिर आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर दर्ज करवाएं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।